नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक रेवन इस यूट्यूब चैनल में। तो वन प्लस ने जैसे कहा था, मई के महीने में एक अपडेट आने वाला है डिस्प्ले प्रॉब्लम को लेकर, स्पेशली ब्लैक क्रश के रिगार्डिंग। तो वन प्लस ने वन प्लस एट एंड वन प्लस एट प्रो के लिए अपडेट लाया है। वन प्लस एट के लिए 10.5.7 का वर्जन है एंड एट प्रो के लिए 10.5.8 का वर्जन लाया है। अगर हम एट प्रो के अपडेट की बात करें तो ये वर्जन दोस्तों यूरोप, इंडिया एंड इंटरनेशनल वर्जन के लिए लाया गया है। इंडिया में भी सेम हमें यही अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम अपडेट के चैनल लॉक की बात करें तो ये रहा दोस्तों आपके सामने। इसमें सिक्योरिटी पैच जो लेटेस्ट अप्रैल का है उसे ऐड किया गया है। सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, नेटवर्क में, कैमरा एंड इवन ब्लूटूथ में भी इम्प्रूवमेंट किए गए। यही सभी दोस्तों इम्प्रूवमेंट्स वन प्लस एट में भी, जो अपडेट है 10.5.7 उसमें भी वही है। लेकिन वन प्लस एट प्रो में दो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। एक तो दोस्तों वीडियो प्लेइंग इफेक्ट वाला एट प्रो ओनली लिखा हुआ है, ये दोस्तों ब्लैक क्रश का इशू है जो सिर्फ वन प्लस एट प्रो में आ रहा था। एंड सेकेंड जो है वो है कैमरा, HDR वीडियो इफेक्ट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे एट प्रो ओनली। तो वन प्लस ने जो कैमरा HDR इफेक्ट है उसे भी ऑप्टिमाइज़ किया है। तो अगर हम ब्लैक क्रश के फोकस करें तो दोस्तों वन प्लस ने इस अपडेट में ब्लैक क्रश के इशू जो है उसी को ही फिक्स करने की कोशिश की है। ग्रीन टिंट इसमें कोई रिलेटिंग अपडेट या इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो जो मेन हम कह सकते हैं इस अपडेट का मोटिव था वो है ब्लैक क्रश इशू एंड थोड़े कैमरा ट्विक्स एंड ब्लूटूथ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे यूज़र्स को, उसको भी फिक्स करने की कोशिश वन प्लस ने की है। तो ओके गाइज, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस।